लॉ इज़ अ वेरी एडमायरेबल प्रोफेशन. लॉ के प्रोफेशन में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी और करियर में ना मिले. पर ये अपॉर्चुनिटीज़ आखिर है क्या और आप इन्हें कैसे ग्रैब कर सकते हैं? बराक ओबामा से लेकर महात्मा गांधी तक ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉ प्रोफेशन को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी भी पाई. पर लॉ प्रोफेशन जब हमारे दिमाग में आता है या हम सोचते हैं कि लॉ डिग्री के बाद हम क्या करेंगे, तो हम ये सोचते हैं जो मूवीज़ और किताबों ने हमारे दिमाग में इमेज बनाई है कि हम ब्लैक कोट पहन के कोर्ट में केस लड़ने जाएंगे. पर अगर आपके पास लॉ डिग्री है तो आप इसे कहीं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जो कि लॉ डिग्री होने के बाद आप परस्यू कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन. अगर एग्जाम्पल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जो कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है. अगर आपके पास एक लॉ डिग्री है और आपको लगता है कि आपके अंदर पढ़ाने का पैशन है, इफ़ यू हैव अ पैशन फॉर टीचिंग, सो आप अपना करियर एज अ प्रोफेसर और लेक्चरर किसी भी यूनिवर्सिटी में परस्यू कर सकते हैं. या फिर आप सोचते हैं कि आप लिखने में अच्छे हैं या फिर आप लिखना चाहते हैं और आपके पास एक लॉ डिग्री है, तो आप लीगल रिलेटेड, लॉ रिलेटेड बुक्स, चाहे नॉन फिक्शन हो या फिक्शन हो, पब्लिश कर सकते हैं. इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं लॉ डिग्री होने के साथ साथ. अगर आपको लगता है कि लॉ डिग्री आपके पास है और आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की लॉ फर्म स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट कंपनीज या MNCs में जॉब करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. MNCs या जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वो अपनी कंपनीज़ के लिए लीगल एडवाइज़र्स को हायर करती हैं जो कि उनके लॉ मैटर या लीगल मैटर्स में डील करते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. तो क्या आपको लगता है कि लॉ जो प्रोफेशन है वो अट्रैक्टिव है? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लॉ आप परस्यू कर कैसे सकते हैं. ये आपके एजुकेशन लेवल पर डिपेंड करता है, अगर आपने 12th की है या फिर आप ग्रेजुएट हैं. कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो देकर आप एक लॉ डिग्री पा सकते हैं. आज हम जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे वो है CLAT. CLAT स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. ये एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो कि NLUs यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्ट कराया जाता है. इंडिया में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हर साल रोटेशनल बेसिस पे CLAT एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अपने UG और PG कोर्सेज, LLB और LLM के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. CLAT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ इस तरह है. अगर आपने 12th की है या फिर आप अभी 12th में हैं किसी भी स्ट्रीम से, विथ 45% ऑफ मार्क्स इन द केस ऑफ जनरल एंड OBC एंड इन द केस ऑफ SC/ST मार्क्स एंड इन द केस ऑफ SC/ST विथ 40% मार्क्स आप CLAT एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं. ये मई के सेकेंड संडे में कंडक्ट होता है और इसके जो फॉर्म होते हैं वो जनरली 1 जनवरी को आउट हो जाते हैं और 31 मार्च लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट रहता है. एग्ज़ाम का CLAT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या फिर आप क्या क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करें कि आप CLAT में बैठ सकते हैं, CLAT एग्ज़ाम दे सकते हैं? CLAT में 5 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इसी साल चेंज हुआ है. प्रीवियस ईयर CLAT में 200 क्वेश्चंस होते थे जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करने पड़ते थे, और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर CLAT ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम था. इस ईयर और प्रीवियस ईयर से ये ऑफलाइन यानी पेन पेपर बेस्ड होने लगा है. इसमें इस ईयर का जो अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न है वो है 150 क्वेश्चंस जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करने पड़ेंगे. क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो पैराग्राफ बेस्ड होंगे. एक पैराग्राफ होगा जिससे रिलेटेड आपको 4 to 5 questions नीचे मिलेंगे. पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना होगा. आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह होगा, मैथ्स 15 मार्क्स का, रीजनिंग आपका 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ जो होगा आपका 37 मार्क्स का होगा, लीगल एप्टीट्यूड आपका 38 मार्क्स का होगा. 150 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे जिन्हें 2 घंटे में आपको आंसर करना पड़ेगा. हर सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. CLAT का सिलेक्शन प्रोसेस आपके जो परफॉर्मेंस होगी उस पर बेस होगा. जितना अच्छा आपने एग्ज़ाम किया होगा, 2900 सीट्स हर साल CLAT निकालता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 60,000 बच्चे भारत में बैठते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए. तो जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उसी अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी. आपका एक काउंसलिंग सेशन होगा यूनिवर्सिटीज़ के साथ और उसके बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस फॉलो होगा.